फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा एक ऐप्स मिला है मुझे जो कि कल मैंने देखा था तो यहाँ पे जाकर आपको देखिए मेरा टॉप में है माई स्टॉक पोर्टफोलियो इसे ओपन करना है ओपन करने के बाद क्या करना है आपको राइट में जाना है यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप डिटेल्स जैसे कि मैंने फुल अपना डिटेल्स यहाँ ट्रांजेक्शन अभी ऐड नहीं किया है तो मेरा जैसे दिखा रहा है कि फिफ्टीन परसेंट का रिटर्न है मेरा डेली जो लास्ट डे है फाइव सेवन सेवन का मिला था जितने स्टॉक्स यहाँ मैंने लिया है अभी टोटल फिफ्टी वन ट्रांजेक्शन ही मैंने ऐड कर पाया हूँ यानी कि मेरा जो टोटल वैल्यू कॉस्ट फोर्टी टू थाउजेंड समथिंग ऐड किया हूँ और ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करना है देखिए टॉप राइट सॉरी लेफ़्ट पे आपको तीन लाइन मिलेंगे इसको क्लिक करना है ये वाला जो है तो इसको क्लिक किए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पोर्टफोलियो ऐड का ऑप्शन मिलेगा इस तरह से ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना नाम ऐड करना है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अविनाश जी बार बार पूछ रहे हैं तो अविनाश दे दिया मैंने ठीक है अविनाश का देने के बाद मैंने ये क्या किया दोनों क्लिक कर दिया डोंट एड टू पोर्टफोलियो ओवर यू स्क्रीन ये भी नहीं ये मत कीजिएगा एडिशनल में ये दोनों क्लिक करने के बाद ओके राइट पे क्लिक कर दिया मैंने राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको होल्डिंग्स और डिटेल्स देखना पड़ेगा तो यहाँ कुछ नहीं नजर आएगा क्यों क्योंकि आपको यहाँ देखिए टॉप थ्री यहाँ पे राइट टॉप पे एक प्लस का निशान मिलेगा ऊपर की तरफ देखिए तो ये क्या करना है इसे ऐड के बटन पे क्लिक करना है फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ जो ऐड वाला ऑप्शन है ये राइट टॉप पे उसे प्लस करना है अब फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे एक ऐड करना है कोई भी अपना स्टॉक जो बाय किए थे पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि, कि किस दिन बाई किए थे किस प्राइस पे बाई किए थे कितना शेयर्स बाय किए थे फॉर एग्जांपल मैंने बाय किया था अपर इंडस्ट्री जैसे कि मेरा अभी शो हो रहा है अपर इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये आ जाएगा आपको ऊपर का बॉम्बे स्टॉक का है और नीचे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है तो मैंने नीचे वाले पे इस पर क्लिक कर दिया इससे आपको क्या होगा कि पूरा पता चलता रहेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक में और आपको कितना रिटर्न मिला इच एंड एवरी सिंगल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें ऐसे रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है ट्रैक एड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है ये वाली जो पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया ट्रैक ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे बाय एंड सेल ओके तो बाय किया है हमने फॉर एग्जांपल अब देखते हैं कि, कि कितने तारीख को बाय किया है फॉर एग्जाम्पल मैंने बारह दिसंबर दो को बाय किया है ठीक है कितने शेयर्स बाय किया है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी शेयर्स बाय किया है क्या प्राइस था उस समय मान लीजिए थ्री फिफ्टी में मैंने बाय किया है ये मैंने डाल दिया यहाँ पे टॉप राइट में आपको ये दिख रहा होगा टिक का निशान सही गलत का करेक्शन का तो ये टिक कर देना है ये ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया अब होल्डिंग्स में जा के देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा और आपको दिखाएगा कि कितना है और यहाँ पे आप अविनाश पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फोर फाइव का रिटर्न मिला ये बताएगा और डिटेल्स में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना आपका रिटर्न है ठीक है ऐसी इस तरह से आप कैटेगरी वाइज यहाँ भी आप कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कितना है आपका एफ एम सेक्टर में कितना है यहाँ भी आपको डिटेल मिलता रहेगा और यहाँ पे सबसे देखिए एनुअवलाइज रिटर्न आपको कितना मिला आपके वैल्यू क्या है आपने जो कॉस्ट बेसिक डाला वो कितना है देख पाएंगे यहाँ पर उसके बाद आपको उसकी करेंट वैल्यू उसके बाद आप रिडीम करते हैं तो वो भी दिखाएगा हर चीज़ आप बाय एंड सेल का एड करने के बाद इस पोर्टफोलियो का यहाँ पे जो दिखाएगा बहुत ही अच्छा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ मेरा प्रदीप दुबे है तो मैंने कुछ ऐड किए हैं आपको दिखाता हूँ मेरे कौन कौन से बाय हैं और क्या क्या स्टेटस है तो आई का मैंने बाय किया था तो ये एक दिन का चेंज है देखेंगे तो ये वन डे चेंज तो है इसीलिए यहाँ नेगेटिव दिखाई दे रहा है लेकिन मेरा ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव में है पोर्टफोलियो जो देख पा रहे होंगे कि 15.01 टोटल 0.4 परसेंट का रिटर्न मिला है और ये मैंने पूरा नहीं डाला नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो ये देख सकते हैं जैसे गोदरेज इंडस्ट्री यू पी एल आई सी बैंक एच डी एफ सी हाथवे पॉलीकैप सोनाटा सॉफ्टवेयर हर चीज़ को ऐड किया अब देखिए मान लीजिए कि मैंने हाथवे को मैंने ओपन किया तो ये मेरा एक दिन का और ये बाय का दिखा रहा है अगर मेरा थ्री मंथ्स का देखना है कब कब बाय किया तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाले जो है बाय किया हुआ है अगर मैं सेल करूँगा तो रेड पर आ जाएगा वो बॉल जो ग्रीन पे शो हो रहा है तो आपने देखा होगा कैसे कैसे बाय किया हुआ मैं और इसी समय आपको रिकमेंडेड किया हूँ तो कारण क्या होता है इसे पकड़ने का अभी दूसरा कोई स्टॉक्स देखते हैं आपके पास कि पॉली कैप हमने कब ख़रीदा तो देखिए पॉली कैप मैंने एक बार खरीदा जो कि यहाँ पे ख़रीदा है देख रहे होंगे आप और उसके बाद वो कितना भागा तो ये देख रहे होंगे कि आपको कितना रिटर्न मिला यहाँ आपको फिफ्टी पॉइंट टू जीरो परसेंट का चेंजमेंट नज़र आया और ये लास्ट डे का है जो आप टू पॉइंट टू एट परसेंट देख रहे होंगे चेंजमेंट आया जो ग्राफ में आपको रहा होगा यहाँ पर ये ये देखिए ये ग्राफ आपका ओपन हो गया और ये देखिए इसके रेंज प्राइस सब कुछ आपको यहाँ नज़र आएंगे कि कितना क्या रेट है कैसे ये काम करता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पोर्टफोलियो यहाँ पे ट्रैक करने में बहुत अच्छा तो लगेगा इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं इट इस एप्स का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो इस ऐप्स का नाम है आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए माई स्टॉक पोर्टफोलियो ठीक है उसके बाद माई स्टॉक पोर्टफोलियो सर्च करने के बाद आपको ये लोगो आ जाएगा ये देख रहे होंगे इस लोगों के ज़रिए आप फॉलो कर सकते हैं कि आपका ये है यहाँ से ओपन कीजिए उसके बाद ये कार्रवाई आपको जो मैंने बताया वो करना है थैंक यू सो मच यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए और आप सेटिंग में जाकर ये कर सकते हैं कि आपको कौन से कंट्री के न्यूज़ चाहिए जैसे हम लोगों को इंडिया का चाहिए तो यहाँ पर इंडिया का ऑप्शन पर टिक करके टिक करेक्ट का निशान कर दें थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे अन वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर